नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ जयंत विजय मैदान में, जहाँ जो है अभी होता है मेला लगा हुआ है NCL की तरफ से। और इस कार्यक्रम का आयोजक जो है NCL जयंत है। गेट पे जो है गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। सनातन धर्म में किसी कार्य को करने से पहले जो है गणेश जी का पूजा अर्चना जो है शुभ माना जाता है। उसी के तहत जो है इस मेले में गणेश जी की प्रतिमा के साथ जो है इस मेले का आयोजन किया गया है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये मंच सजा हुआ है। मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था शायद की गई है। आगे नया भारत मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अभ्युदय मेला ये लगा हुआ है। ये बीच में जो है अतिथियों को बैठने की व्यवस्था है। बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर मेला है ये। महिला मंडल की तरफ से जो है इस मेले का जो है आयोजन किया जाता है। सुरभि महिला समिति अमलोरी, हर परियोजना की जो महिला समितियां हैं NCL की तरफ से, जो उसी की तरफ से जो है इस मेले का आयोजन किया गया है। जैसा कि मैं आगे आपको दिखा दूं, NCL के अधिकारियों की महिलाएं जो है इस मेले का संचालन करती हैं। जितनी भी दुकानें देख रहे हैं आप, ये सुरभि महिला समिति जो है अमलोरी लगा हुआ है। ये प्रेरणा महिला समिति बीना क्षेत्र का है। कल्याणी महिला समिति जो है ये ब्लॉक बी। संपदा महिला समिति जो है केंद्रीय कर्मशाला जयंत। संगिनी महिला समिति दुधीचुआज। ये ज्योत्सना महिला समिति NCL मुख्यालय हेड ऑफिस की तरफ से है। और ये इसी तरह से जो है हर परियोजनाओं की, जैसा कि आपको पता है NCL में लगभग 11-12 के आसपास जो है परियोजनाएं हैं, और सभी परियोजनाओं की जो है महिला समितियों की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें आगे हम बात करेंगे कि इस मेले का उद्देश्य क्या है। और इसमें जो इस मेले में जो बिक्री के लिए जो काउंटर लगे हुए हैं, दुकान लगे हैं, इस दुकानों में जो सामानें रखी हुई हैं, ये सामान कहाँ से आया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं आप, कहीं साड़ी है तो कहीं लेडीज सूट की दुकान है तो कहीं खिलौने की दुकान है। साड़ी और लेडीज बियर की दुकान है ये। आप लोग किसी परियोजना की तरफ से लगाए हैं कि अपना सेल्फ लगाई हैं? मेरा ये जैन परियोजना से है और ये खरिया परियोजना से, ये दोनों स्टॉक मेरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें चिकन है, चिकन की पूरी वैरायटी लखनऊ की। अच्छा अच्छा। इसमें कोसा हर तरह की साड़ी बनारसी। चलिए धन्यवाद। ये जैन परियोजना की तरफ से ये लगी हुई थी स्टॉल। और ये जैसा कि देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में जो है दुकानें लगी हुई हैं, कहीं साड़ी की है तो कहीं बर्तन की है। ये घरेलू सामान जो है ज्योत्सना महिला समिति NCL मुख्यालय की तरफ से लगा हुआ है। और ये कुछ बाहरी लोग भी दिख रहे हैं, जैसा लग रहा है कि ये क्या सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह उद्योग, ये किसके तरफ से दुकान लगी हुई है? ये दुकान किसके तरफ से लगी है? मुस्कान मोबाइल नहीं, NCL की तरफ से है कि अपने तरफ से? NCL की तरफ से। किस परियोजना की तरफ से हैं आप लोग? अच्छा, निगाही परियोजना की तरफ से है। NCL द्वारा जो है किसी दुकानों को भी हायर करके जो है यहाँ दुकानों का संचालन करवाया गया है। तो उस दुकानदारों के माध्यम से भी कुछ महिला समितियाँ NCL की लगाई हुई हैं, तो कुछ अभी मेले का उद्घाटन नहीं हुआ है, दुकानें सजाई जा रही हैं। मुख्य अतिथि अभी जो है नहीं पहुँच पाए हैं। मुख्य अतिथि CMD सिंगरौली हैं, NCL सिंगरौली। और ये देखिए कुल्हड़ भी दिख रहा है, ये बच्चों की जो हवा मिठाई और फुल्की की भी दुकानें लगी हुई हैं। इधर ये डोसा की दुकान लगी हुई है।
अभी ये कुछ स्टाले जो है सज नहीं पाई हैं। हम मेला का उद्घाटन होने से पहले जो है ओपनिंग होने से पहले हम पहुंचे हुए हैं इस मेला में कि आपको दिखा दें कि किस किस तरह की दुकानें हैं। और ये मेला जो है अगर कोई मिल जाए तो हम उसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मेला को लगाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेरे जानकारी अनुसार साल में अलग अलग जगहों पे जो है लगभग परियोजनाओं में भी जो है मेला का आयोजन किया जाता है। और इस मेला का उद्देश्य क्या है ये मुझे भी जानकारी नहीं है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हैंसेल परियोजना की तरफ से जो है इतने खर्चे करके इस मेला को जो लगाया जाता है, इस मेला का संचालन कराया जाता है, तो आखिर इस मेले का उद्देश्य क्या है। और इस मेले में जो दुकानें लगाई जा रही हैं एनसीएल महिला समितियों की तरफ से तो लगाई जा रही हैं। अरे जीएम साहब हमारे साथ दिख रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें इस मेले का लगाने का उद्देश्य क्या है, मैं अभी जीएम जैन से बात कर रहा था तो उन्होंने जैसा कि बताया कि इस मेले का लगाने का उद्देश्य यह है कि इस मेले से जो भी इनकम होती है वो महिला समितियों के पास चली जाती है और उस महिला समिति जो है उन पैसे से जो इनकम के जो पैसे होते हैं उससे जो है सोशल एक्टिविटी में उन पैसों का इस्तेमाल होता है, जिससे कि किसी गरीब का और किसी ज़रूरतमंद की जो है उससे मदद हो सके। जैसा कि आपको दिखा दें ये सामने जो है इस मेले में आने वाले लोगों को बैठने की व्यवस्था है, ये सिटिंग व्यवस्था की गई है जहां आकर के लोग बैठें। और इस पूरे मेले का जो है डेकोरेशन का और टेंट का जो कारोबार है काम है वो जो है नारायण टेंट एंड कैटर्स शंकर मार्केट जयंत की तरफ से किया गया है। जैसा कि देख रहे हैं उसका बोर्ड लगा हुआ है और ये नारायण टेंट एंड कैटर्स की तरफ से जो है इस पूरे मेले में जो भी टेंट और डेकोरेशन का जो भी व्यवस्थाएँ दिख रही हैं सारी डेकोरेशन का काम जो है नारायण टेंट हाउस की तरफ से किया गया है। अभी जो है इस मेले का जो मुख्य अतिथि हैं वो नहीं आ पाए हैं लोग और अभी मेले का जो है उद्घाटन नहीं हो पाया है। ये नजर आ रहा है कि हम एक मेले के प्रारूप में खड़े हैं